सुर और साज के कदरदान हाजरीन, आप सबको मेरा सलाम सत श्री अकाल। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। हाजिर हूँ एक नए लेसन के साथ, तो आइए जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों, आप सब ने मेरी वीडियोस को बहुत प्यार दिया है। मुझे खुशी होती है जब आपके रियाज के वीडियोस मुझे फेसबुक या व्हाट्सएप के ऊपर मिलते हैं। आप सब बहुत अच्छे से समझ कर रियाज कर रहे हैं। बस इसी तरह आप रियाज करते रहें, वक्त के साथ आपका हाथ बेहतर होता जाएगा। दोस्तों, और मैं चाहता हूं कि जितनी मेहनत से मैं वीडियो बनाता हूं, आप उतनी मेहनत से वीडियोस को शेयर ज़रूर करें। आपके शेयर करने से ज़्यादा लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और मुझे और मेहनत करने में मदद मिलेगी। फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर किया करें। दोस्तों, आज का मेरा जो लेसन है वो आप सबकी चॉइस है। सबसे ज़्यादा मैसेजेस जो मुझे मिले हैं वो है राग किरवाणी के बारे में। राग किरवाणी के स्वरों के बारे में मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, जो मेरा थाट वाला सीरीज़ है, वीडियोस है। तीसरा जो वीडियोस है उसमें मैंने लास्ट में दो थाट बताए हैं, 10 थाटों के अलावा, थाट चारुकेशी और थाट किरवाणी। उसमें जाकर आप देख सकते हैं, किरवाणी के स्वरों के बारे में आप लोगों को मैं पहले बता चुका हूँ। लेकिन ये वीडियो मेरा बनाने का जो मकसद है वो आप सबके मैसेजेस हैं। आप सब ने पूछा किरवाणी की ट्यूनिंग के बारे में। बहुत सारे दोस्तों ने पूछा है कि हम अपने रबाब को कैसे ट्यून करें कि ये खिल के बोले, और किरवाणी में हम बजाना चाहते हैं लेकिन ट्यूनिंग में मसला आता है, फ्रिक्वेंसी समझ नहीं आती, कौन से स्वर पर, कौन सी तार कौन से स्वर पर ट्यून करें। या वो लोग ट्यून करते हैं लेकिन वो प्रॉपर फ्रिक्वेंसी पर नहीं कर पाते, जो थोड़ा सा बेसुरा सा ट्यूनिंग रहता है उनका। काफ़ी दोस्तों ने ये भी पूछा है कि किस स्केल पर ट्यून करना चाहिए कि किरवाणी के स्वरों पर रबाब खूब अच्छा बोले। दोस्तों देखो, रबाब कोई भी हो, अगर ट्यूनिंग अच्छी होगी तो रबाब ज़बरदस्त बोलेगा। तो अपना साज जब भी ट्यून करें, प्रॉपर टाइम लगाकर अच्छे से ट्यून करें, आवाज़ अच्छी होगी तो रियाज में भी खूब मन लगेगा। अगर आपके साज की आवाज़ ही अच्छी नहीं होगी तो 10-15 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा आप रियाज करेंगे, उसके बाद आपका मन नहीं लगेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं ट्यूनर की, कौन सा ट्यूनर यूज़ करना चाहिए ट्यूनिंग के लिए। दोस्तों, अपने फ़ोन की बजाय अगर आप क्लिप वाला ट्यूनर लेते हैं तो वो सबसे बेस्ट रहता है। किसी भी म्यूज़िकल शॉप से आप इसको खरीद सकते हैं। जब ये किसी भी साज की लकड़ी पर टच होता है तो फ्रिक्वेंसी की जो एक्यूरेसी होती है ना, वो 100% आती है। आप इस चाबी के ऊपर भी उसको ऐसे क्लिप लगा सकते हैं, या आप यहाँ पर उसका क्लिप लगा सकते हैं और उसकी स्क्रीन जो है वो अपने सामने कर सकते हैं यहाँ पर लगा के, और ताज के पीछे भी आप यहाँ पर भी लगा सकते हैं उसको, ऐसे चिमटी की तरह, क्लिप की तरह वो लग जाता है। ये फ़ोटो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रही होगी, मैं आपको फ़ोटो दिखा रहा हूँ, इसको आप ले सकते हैं। अभी मेरे पास क्लिप ट्यूनर नहीं है, मैंने किसी को सेंड कर दिया है, वरना मैं आपको लगाकर एक बार चेक ज़रूर करवाता। लेकिन आप फ़ोटो ज़रूर देखें, जो मैंने आपको फ़ोटो डाली हुई है इसमें देखें कि इन्होंने कैसे गिटार के ऊपर लगाया हुआ है। आपने भी इसी तरह इसको यूज़ करना है। दोस्तों, ज़्यादातर लोग इसको गिटार और बाकी साज ट्यूनिंग के लिए यूज़ करते हैं। ख़रीदने से पहले आपने ये ध्यान रखना है कि उस ट्यूनर में सारे स्वरों की फ्रिक्वेंसी पता चलती हो, क्योंकि बाज़ार में कुछ ट्यूनर ऐसे भी आते हैं जो सिर्फ और सिर्फ गिटार के लिए हैं, दिखते इसी की तरह हैं लेकिन उनमें सिर्फ 6 स्वरों की फ्रिक्वेंसी होती है जो सिर्फ गिटार के लिए होती है। आपने ऐसा ट्यूनर देखना है जिसके ऊपर सारे स्वरों की फ्रिक्वेंसी आती हो। इसके अलावा अगर आप फ़ोन में कोई ट्यूनर ऐप के ज़रिए ट्यून करना चाहते हैं तो आप पानो ट्यूनर यूज़ कर सकते हैं। आईफोन में इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा है, काफ़ी स्मूथ चलता है एंड्रॉयड के मुकाबले। एंड्रॉयड में भी अच्छा चलता है लेकिन ज़्यादा स्मूथ चलता है, फ्रिक्वेंसी की जो एक्यूरेसी आती है वो आईफोन में आती है। तो दोस्तों, अब बात करते हैं ट्यूनिंग की।
ज़्यादातर दोस्तों ने मुझे पूछा है कि आप कौन से स्केल के ऊपर रबाब ट्यून करते हैं, आपका रबाब अच्छा बोलता है। तो दोस्तों मेरा जो रबाब है ये 30.5 इंच का है, 29.5 से लेके 30.5 इंच तक आप डी शार्प पर आराम से जो है साथ चला जाता है। 15 सुर वाला जो रबाब होता है उसको डी शार्प पर ट्यून किया जा सकता है। सबसे पहले हम जान लें कि डी शार्प को सा जब हम बनाते हैं तो इसकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है। दोस्तों जो डी शार्प होता है वो ऑक्टेव 3 का डी शार्प आपने लेना है, उसकी जो फ्रिक्वेंसी होती है वो होती है 155.5। उसके बाद फिर हम बाकी के जो स्वर हैं उसके अकॉर्डिंग ट्यून करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले हम बात करते हैं इन 15 चाबियों की, ये जो 15 तरब की तारें हैं इनको हम कैसे ट्यून करें। दोस्तों पहली जो तार होती है इसको हम ट्यून कर रहे हैं सा के ऊपर, यानी कि ऑक्टेव 3 का डी शार्प 155.5 इसकी जो फ्रिक्वेंसी रहेगी, ठीक है। दोस्तों दूसरा तार हम करते हैं किरवाणी में ट्यून रे के ऊपर, ऑक्टेव 3 का एफ नोट, इसकी फ्रिक्वेंसी रहेगी 174.6। फिर तीसरा तार हम ट्यून करते हैं कोमल गा के ऊपर जो कि ऑक्टेव 3 का एफ शार्प बनेगा, एफ शार्प, जिसकी फ्रिक्वेंसी रहेगी 185.0। फिर दोस्तों चौथा तार हम ट्यून करते हैं मा के ऊपर, ऑक्टेव 3 का जी शार्प, जिसकी जो फ्रिक्वेंसी है वो रहेगी 207.6। फिर पांचवा तार हम ट्यून करते हैं पा के ऊपर, यानी कि ऑक्टेव 3 का ए शार्प, जिसकी फ्रिक्वेंसी रहेगी 233.0। फिर इसके बाद 6 नंबर तार हम ट्यून करते हैं कोमल धा के ऊपर, ऑक्टेव 3 का बी, जिसकी फ्रिक्वेंसी रहती है 246.9। उसके बाद 7वीं तार जो हमारी होती है ये नी पर होती है, नी का मतलब ऑक्टेव 4। यहां पर ऑक्टेव चेंज हो जाता है दोस्तों, पहले ऑक्टेव 3 था अब ऑक्टेव 4 आ गया, डी से ऑक्टेव 4 नी, यानी कि डी, ऑक्टेव 4 का डी, इसकी फ्रिक्वेंसी रहेगी 293.6। फिर 8वीं तार दोस्तों तार सप्तक का सा, यानी कि ऑक्टेव 4 का डी शार्प आ गया, 311.1 फ्रिक्वेंसी इसकी रहेगी। फिर 9 नंबर तार सप्तक का रे, ऑक्टेव 4 का एफ नोट, यानी कि 349.2। उसके बाद 10वीं जो तार है वो है कोमल गा, तार सप्तक का कोमल गा, जिसकी फ्रिक्वेंसी है 369.9, ऑक्टेव 4 का एफ शार्प है, ये ऑक्टेव 4 का एफ शार्प तार सप्तक का कोमल गा। फिर 11वीं तार सप्तक का मा, ऑक्टेव 4 का जी शार्प, जिसकी फ्रिक्वेंसी है 415.3। 12वां तार जो कि है तार सप्तक के पा पर, ऑक्टेव 4 का ए शार्प, जिसकी फ्रिक्वेंसी है 466.1। उसके बाद 13वां तार जो कि है तार सप्तक के कोमल धा के ऊपर, ऑक्टेव 4 का बी, इसकी फ्रिक्वेंसी है 493.8। उसके बाद दोस्तों आती है 14वीं तार जो कि है नी, ये होगी ऑक्टेव 5 का डी नोट, यहां पर ऑक्टेव चेंज हो जाता है, 5वां ऑक्टेव आ जाता है डी, यानी कि नी ऑक्टेव 5 का डी नोट, इसकी फ्रिक्वेंसी रहेगी 583.3। और लास्ट हमारा 15वां तार ये है अति तार सप्तक का सा, ऑक्टेव 5 का डी शार्प, इसकी फ्रिक्वेंसी रहेगी 622.2। तो दोस्तों अब इन 15 तारों के बाद बात करते हैं फ्रेटबोर्ड के ऊपर ये जो 6 तारे हैं हमारी, इनकी
तीन नायलन की है और तीन जो है कॉपर और लोहे की तार होती है इसमें। उनकी अब बात करते हैं ट्यूनिंग, उनकी ट्यूनिंग कैसे की जाए। सबसे पहले बात करते हैं नायलन की जो मेन तारें हैं। ठीक है दोस्तों, पहले फ्रेट से मैं सा बनाता हूं, इसलिए हमारी जो पहली तार है ये नी पर ट्यून होगी, यानी कि ऑक्टेव थ्री का डी। इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी 146.8। दूसरी तार ट्यून करते हैं शुद्ध गा के ऊपर, ऑक्टेव थ्री का जी। इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी 196.0। तीसरी तार शुद्ध धा के ऊपर, यानी कि ऑक्टेव थ्री का सी नोट। इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी 261.6। यहां से फिर करवानी हम बजाएंगे। ठीक है जी दोस्तों, अब बात करते हैं ये जो ऊपर की तीन तारे हैं, शौतारें जिनको हम बोलते हैं, ड्रोन स्ट्रिंग्स। मैं इनको ट्यून करता हूं करवाने के लिए सा गा सा, यानी कि पहली तार सा के ऊपर, बीच वाली कोमल गा के ऊपर, और तीसरी जो है वो भी सा के ऊपर। पहली जो हमने सा पर ट्यून की है, इसका मतलब है डी शार्प, ऑक्टेव थ्री का डी शार्प। इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी 155.5। ठीक है दोस्तों, दूसरी जो बीच वाली तार है कोमल गा के ऊपर है, ये ऑक्टेव थ्री का एफ शार्प है। इसकी फ्रीक्वेंसी रहेगी 185.0। ठीक है दोस्तों, इसके बाद तीसरी तार फिर से मैंने सा के ऊपर ट्यून की है, यानी कि ऑक्टेव थ्री का डी शार्प, 155.5 इसकी जो है फ्रीक्वेंसी है। ये देखिए, कैसा अच्छा ड्रोन आ रहा है ना इसका। तो दोस्तों ये हमारी रबाब ट्यून हो गई है किरवाणी थाट में। अब राग किरवाणी बजाएं या किरवाणी थाट का कोई भी राग आप बजाएं, इस ट्यूनिंग के साथ एकदम खिल के आएगा जो भी आप किरवाणी के स्वरों में बजाएंगे। अगर आप कोई और कंपोजिशन गाना भी बजाना चाहते हैं किरवाणी, जो किरवाणी के अंदर आता है, वो भी खिल के आएगा। अगर आप इसी तरह परफेक्ट ट्यूनिंग करेंगे तो आपका रबाब बहुत अच्छा साउंड करेगा। आप जब भी बजाने बैठें अपना रबाब पहले अच्छे से ट्यून करें। दोस्तों आज मैं सी शार्प पर भी किरवानी की ट्यूनिंग बताना चाहता था। जिनके रबाब 31 या 32 इंच के हैं या जो सी शार्प के ऊपर ट्यून करना पसंद करते हैं, लेकिन वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबा हो गया है, मैं उन दोस्तों के लिए एक वीडियो अलग से ज़रूर बना दूंगा। आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको मेरा आज का लेसन पसंद आया होगा। आप अपने कमेंट्स ज़रूर कीजिएगा और मुझे बताइएगा कि अगर आपको ट्यूनिंग में कोई और परेशानी आती है तो मैं वो भी आपकी सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। उम्मीद है आपको मेरा आज का लेसन पसंद आया होगा। जल्दी मिलेंगे एक नए लेसन के साथ, तब तक के लिए आप खूब रियाज करें और खुश रहें।